रेफरेंस दोस्तों हम सीखेंगे लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का ये दूसरा भाग है। पहला भाग आपने अभी हाल सीखा था और दूसरा भाग इसमें कुछ आपको और कंफ्यूजन रहे तो और भी आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझना बहुत जरूरी है। ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम SSC रेलवे बोर्ड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों अगर आप एक बार सीख गए तो बड़ी आसानी से हल कर लोगे, एक सेकेंड में हल कर लोगे। देखिए दोस्तों कैसे हल करते हैं, आइए पहले इन सब लेटर को गिन लो, है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 में 16 है, कितना है 16, तो 16 में किसका भाग लगता है दोस्तों, 4 का, 2 का भी लगता है, 8 का भी लगता है। तो इसमें 4 × 4 का अपन ग्रुप बनाएंगे, किसका बनाएंगे, 4 × 4 का, है ना। देखते थे कि 4 × 4 में क्या स्थिति होती है। देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ बिंदु लगा दी ना, बना ही लो कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4 यहाँ बना लो, 1, 2, 3, 4 यहाँ बना लो, 1, 2, 3, 4, है ना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कैसे भरते हैं, इसको भरते कैसे हैं। देखिए दोस्तों इस ग्रुप में चलते हैं, यहाँ ए के पीछे ए है तो इस ए के पीछे भी अपन ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, डबल ए। अब ये डबल सी बी डबल ए हो गया, तो ये सी के बाद डबल बी अपन कर सकते हैं, तो सी बी डबल ए, ये सी बी डबल ए, सी बी डबल ए, है ना, सी बी डबल ए। तो भर गया पूरा सी बी डबल ए, सी बी डबल ए, सी बी डबल ए, सी बी डबल ए। क्या क्या भरा अपनों ने, यहाँ पे ए भरा, अगले में ए भरा, अगले में ए भरा, अगले में बी भरा, तो ट्रिपल ए बी भरा, तो ट्रिपल ए बी, ए ऑप्शन अपना राइट हो गया। समझ में आ गया ना दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से अपन आसानी से इसको भर सकते हैं सेकेंड में, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बी इसमें देखिए इसको कोई लेटर से को काउंट करो कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसमें 20 हो रहे हैं, इसमें 4 × 5 का बना सकते हैं, 5 × 4 का बना सकते हैं। ये देखो इन 4 × 5 ये 5 × 4 ये तो 4 का बनेगा या 5 का बनेगा, दोनों में से एक का बना सकते हैं। 4 में देखते पहले 1, 2, 3, 4 यानी बी आ रहा है, 1, 2, 3, 4 यानी इसमें बी आ रहा है, 1, 2, 3, 4 इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, देखते हैं 1, 2, 3, 4 इसमें बी आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बी का बन गया पूरा, है ना, बन जाएगा यहाँ पे ये पूरा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप तो बना हुआ पूरा मिल गया अपनों को, बी सी ए बी, तो इससे पूरा सबको बना सकते हैं, बी सी ए बी मिल गया ना, तो बी के बाद सी लिख दो, है ना, ये बन गया बी सी ए बी, बी सी ए या बी लिख दो, बी सी या ए लिख दो, और बी के बाद सी लिख दो, बी सी ए बी, तो बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, चारों ग्रुप अपने बन गए बिल्कुल व्यवस्थित। तो इसमें क्या आएगा सी, इसमें क्या आएगा ए, इसमें क्या बना अपना बी, और इसमें क्या बना था दोस्तों, देखिए यहाँ पे सी बना था, सी ए बी, और यहाँ पे अपना सी बना, देखते हैं यहाँ पे सी, है ना, यहाँ पे तो अपनों ने देखो बी सी ए बी, बी सी यहाँ तो सी भरा, यहाँ ए भरा, यहाँ बी भरा, और यहाँ पे तो पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, फिर यहाँ क्या भरा, सी भरा, चार ही है, तो सी सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ए बी सी, ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब दोस्तों आप दो सवाल से सवाल को बड़ी अच्छी तरह सीख गए होंगे, वीडियो को आप ये स्टॉप करके इस सवाल को अपनी कॉपी और पेन लेके हल करके बताएं, कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से, और मुझे विश्वास है कि आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे, और बिल्कुल कर लेंगे आप। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसमें 20 हो रहे हैं, तो 20 में भी
चार इंटू पांच का बना सकते हैं या पांच इंटू चार का बना सकते हैं। पहले चार का हम देखते हैं क्या स्थिति होती है। देखो एक दो तीन चार, यहां बी आ रहा है, एक दो तीन चार है ना, देखो एक दो तीन चार ये आ रहा है, एक दो तीन चार यहाँ पे बी आ रहा है, एक दो तीन चार, अब एक दो तीन चार यहाँ ए आ रहा है इसलिए ये नहीं बन रहा है ना, इसमें एक दो तीन चार यहाँ सी आ रहा है इसलिए ये चार वाला नहीं बनेगा, तो पांच वाला बना के देखते देखे है ना, एक दो तीन चार पांच यहाँ तक आता है, एक दो तीन चार पांच यहाँ तक आता है ना, तो पांच वाला बना सकते हैं ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच ठीक है, एक दो तीन चार और पांच, एक दो तीन चार पांच, यानी पांच का पेयर बना रहे हैं। कौन सा बना रहे अपन, पांच का पेयर बना रहे हैं। तो पांच के पेयर में क्या दिख रहा है आपको, ट्रिपल बी ए, तो ट्रिपल बी के पीछे ए लिख सकते हैं अपन बड़ा आसानी से, तो सी ए ट्रिपल बी, तो जब यहां सी ए ट्रिपल बी, यहां सी ए दो बी ए, तो एक बी यहां लिख दो, सी ए ट्रिपल बी हो गया, सी ए और दो बी के बीच में एक बी और लिख दो, सी ए ट्रिपल बी बन गया पूरा। देखो तो इसमें क्या भरा था अपन, ए भरा था, इसमें सी भरा था, अगले में सी भरा था, अगले में बी भरा था, अगले में बी भरा था, तो ए सी सी बी बी, ए सी सी बी बी, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया अच्छी तरह समझ गए होंगे, बहुत आसानी से है ना। देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस हो रहे हैं है ना। देखिए तो बीस में वही चार इंटू पांच का बनाते हैं, देखते पहले एक दो तीन चार ये आ रहा, एक दो तीन चार इसमें भी ये आ रहा, एक दो तीन चार, जब यहाँ ए नहीं आ रहा तो आ सकता है, यहाँ खाली है तो मतलब आ सकता है, ध्यान रखना एक दो तीन चार यहाँ पे ए आ सकता है तो खाली है, क्यों बी और सी कुछ नहीं आ रहा है क्या, खाली है, एक दो तीन चार यहाँ पे भी ए, तो देखो इसमें तो ए आ रहा है ना, इसमें भी ए आ रहा, इसमें भी ए आ रहा, तो बाकी में ए आ सकता है, यहाँ पे दो में ए आ सकता है ना, दो में ए आ सकता है। अब देखो ए बी, ए के पीछे बी है, ये ए है ना, तो इसके पीछे हम बी लिख सकते हैं बड़े आसानी से अपन, तो क्या बन गया, और इस ए के पीछे बी लिख सकते हैं, तो डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी और बी ए, पूरा बन गया डी सी बी ए है ना, सब पेयर बन गए। तो इसमें क्या भरा अपना, बी भरा, इसमें बी भरा, इसमें ए भरा, इसमें ए भरा, इसमें सी भरा, डबल बी डबल ए सी, डबल बी डबल ए सी, डबल बी डबल ए सी है ना, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो चलो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू बाय।